करना मुश्किल है। यहाँ पे मैंने एनेस्थेसिया के लिए आर्टिकेन रखा हुआ है। आर्टिकेन जो है लोकल एनेस्थेसिया में हमको इन्फिल्ट्रेशन में ही करना है सारे केसेस को, क्योंकि ब्लॉक देने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक देने से आपको दिक्कत होगा, पेशेंट के कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स की तरफ जब आपका इंस्ट्रूमेंट जाएगा तो वो बता पाना मुश्किल होता है। तो ये आर्टिकेन हमने रखा हुआ है लोकल एनेस्थेसिया के लिए। उसके बाद रिट्रैक्टर्स हैं, फोर्सेप्स हैं निकालने के लिए दांत, जो भी दांत हमको निकालना होगा, अपर इंटीरियर, अपर पोस्टीरियर और लोअर इंटीरियर, तो वो सब फोर्सेप्स लगे हुए हैं। रिट्रैक्टर रखा हुआ है, हैमर रखा हुआ है। हैमर की जरूरत नहीं है मुझे, मैं तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट से टैप कर लूँगा, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगा तो जरूरत नहीं है। माउथ मिरर इसकी ज़रूरत नहीं है, बोन मैपिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन नहीं कर रहे अपन। कॉर्टिकल में विड्थ की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने हटवाया था आपसे, फिर रख दिया आपने उसमें। हाँ, ये स्टूडेंट का डिलीवरी सिस्टम है, सक्शन है। कॉर्टिकल इम्प्लांट के दोनों किट हैं मेरे, कॉर्टिकल इम्प्लांट के दोनों किट हैं। तो हैंड ग्रिप है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है मोटर ड्राइवन इंस्ट्रूमेंट है। बाकी ये मेरा फिजियो डिस्पेंसर है, उसमें आपका हैंडपीस है कॉन्ट्रा एंकल, और स्ट्रेट हैंडपीस कहाँ गया? स्ट्रेट हैंडपीस मैंने इसमें लगा कर रखा हुआ है, ये स्ट्रेट हैंडपीस है। स्ट्रेट हैंडपीस से जो है हम ऊपर के सारे दांतों का इलाज करेंगे, और इससे जो है कॉन्ट्रेंडर से लोअर की इंटेरियर्स के लिए करेंगे। इन एडवांस्ड प्रोसीजर है, मैं आपको समझा दूँ, आप बहुत ही कोऑपरेटिव पेशेंट हैं। मैंने अभी तक के बहुत सारे पेशेंट किए 18 साल के पीरियड में, लेकिन जितने अच्छे से आप कोऑपरेट करते हैं मुझे मज़ा आता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी जरूरत नहीं, अपन हर प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते जाएंगे आपको और उसी हिसाब से काम करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी अंकल अंकल मेरे पास आए थे, तो ये पार्ट जो था एक साइड में लगाना चाह रहे थे दांत, एक साइड में दांत लगाना चाह रहे थे, लेकिन एक साइड का दांत लगाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत था। तो हमने उस समय तो कन्वेंशनल इम्प्लांट नीचे डाला था, जो सिम्प्लाडेंट का XC2 इम्प्लांट था, हेक्सागन इम्प्लांट, वो हमने नीचे डाला था। लेकिन वो इम्प्लांट क्या था कि हमको 3 महीने बाद उसको लोड करना था एक साइड में, लेकिन ऊपर के जबड़े में अंकल जी को जगह नहीं था। मैक्सिलरी साइनस में और एल्वियोलर रिज के बीच में 3 मिलीमीटर की खाली विड्थ थी, तो उतना लेंथ का हम इम्प्लांट कोई भी कंपनी बनाती नहीं। तो फिर हमने बोला कि अब इसमें कॉर्टिकल इम्प्लांट पड़ेगा, लेकिन कॉर्टिकल इम्प्लांट का यूनिलैटरल साइड में लगाना उसका प्रोग्नोसिस जो है थोड़ा पुअर रहता है। तो हमने फुल माउथ के लिए अंकल जी को बोला, और अंकल जी का कॉपरेशन इतना अच्छा है कि उन्होंने बोला नहीं ठीक है आप मुझे फुल माउथ कर दीजिए। तो फिर हमने फुल माउथ का प्लान किया। तो अब मुझे कॉर्टिकल इम्प्लांट जो इमीडिएट लोडिंग है करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो हमने कन्वेंशनल इम्प्लांट 3 महीने पहले किया, पहले उसकी फर्मनेस देखते हैं कि वो कितना फर्म है, उसमें ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुका कि नहीं बोन, तो पहले वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर वही तैयार होगा, क्योंकि एक्सरे में ओपीजी में हमने देखा था, ओपीजी में तो वो तैयार है, ओपीजी में तो अच्छे से तैयार है, अगर वो तैयार होगा तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको आपका इमीडिएट लोडिंग के लिए प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे। वो वाला बोन एकदम तैयार होना चाहिए, ठीक है। पहले लगाया था वो फॉर्म है कि नहीं, एक्सरे में तो फॉर्म दिख रहा है, ये स्क्रू निकल गया इसको। कितना फॉर्म हो गया? 3 घबराने बात नहीं है, थोड़ा इंजेक्शन का पेन आई है, इसके बाद वो सही हो जाए। किडनी ट्रे रखा यहाँ पे, किडनी ट्रे लाओ।
ब्रिज के नीचे देखिए कितना फूड लॉस। तो ये फ्लैपलेस जा रहे हैं हम इसमें, मतलब इसमें फ्लैप रिट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमको, तो हम फ्लैपलेस जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप जो है थम से और मिडल फिंगर से इनका ओपीजी, हार्ड कॉपी ओपीजी है ना, लेकिन ये तो निकाल दो जल्दी से। के लिए आपको खाली राउंड मोमेंट देना है इसमें और आराम से दांत निकल जाएगा। कॉर्टिकल को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉर्टिकल का ही अपने को सपोर्ट लेना है। तो बक्कल और लिंगल मोमेंट देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा ठीक है, आराम से। और इंटीरियर डायरेक्शन की तरफ हम जाएंगे अपने बर को लेके, हाँ, और ध्यान रखेंगे कि लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट इस पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जहाँ से दांत निकाला है, जो सॉकेट है दांत का, उससे 5-6 मिलीमीटर अबव मेजियल कॉर्टिकल को इन्वॉल्व करते हुए हम लोग एंट्री की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बताऊँगा आपको कैसे होगा। अभी अंकल जी गए हैं, थोड़ा बाथरूम गए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो ड्रेक क्यों हटा? The system is moving into capturing position. Please wait. The system is ready to capture. अंकल जी, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि आप थोड़ा सा हंसें खुल के, तो आप हंसिए खुल के जितना खुल के हंस सकते हैं। ये आपकी स्माइल है दांत लगने के बाद की, बहुत ही सुंदर स्माइल है आपकी। एक बार फिर से आपकी स्माइल चाहिए अंकल जी।
ये बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जी। थैंक यू अंकल जी।